डरो नहीं, मैं तुम्हारा ही प्रतिबिंब हूँ। एक बालक मात्र से इतना भय, भयभीत। और मैं महाबली कंस हूँ, जिसके नाम मात्र से सारा संसार भय से कांप उठता है। परंतु इस क्षण तुम्हारे पग क्यों कप कपे नृत्य कर रहे हैं? तात हाथ थई थई। क्योंकि भविष्यवाणी हुई है कि एक बालक के ही हाथों मेरा अंत होगा। कुछ करो महाबली कंस। इसीलिए तो मैंने पाताल लोक का सर्वश्रेष्ठ असुर केंचुआ सुर को भेजा है नंद गांव वासियों को बंदी बनाने के लिए। ये देखिए यशोदा बहन, इतने साफ चमकते बर्तन नए खरीदे हैं? जी नहीं, चाट चाट कर साफ किए हैं कृष्ण और उसके मित्रों ने। इसमें बूंदी के लड्डू थे। किंतु मैया, मैं तो घर पर ही था। अच्छा, घर में थे तो ये बूंदी कहाँ से आई लल्ला? इसकी शरारतों से तो पूरा नंद गांव परेशान है। कान्हा, हाँ, तेरी शरारत सुन सुनकर अब मैं तंग आ चुकी हूँ। आज बंधे रहना पेड़ से। मैया, कृष्णा, आज ये पेड़ से ऐसे ही बंधा रहेगा दिन भर। मैया, बेचारा कृष्णा। कौन? मैं हूँ केंचुआ सुर। ओ मेरी प्यारी मैया, अपने लल्ला को क्षमा कर दो ना। कोई आवश्यकता नहीं है मुझे माखन लगाने की। चलो खेत चलो, बंधे रहने दो इसे यहाँ पर। मैया ने कान्हा को रस्सी से बांध रखा है, अब कान्हा माखन कैसे खाओगी? खा सकती हो तो खा लो। चलो खेलते हैं। हाँ, चलो। हाँ हाँ। माखन। कहाँ है वो मायावी बालक? बिना आँखों वाला ये असुर सिर्फ ध्वनि सुन सकता है। ओ असुर महाराज, मुझसे बिना मिले कहाँ चले? केंचुआ असुर को ललकारने का किसने दुस्साहस किया? सन्नाटे को भी भाप लेता है केंचुआ असुर। सुनिए सुनिए, हमारे गांव में
में केचुआसुर नामक असुर उपद्रव मचा रहा है। उससे डरे नहीं किंतु अपने सुरक्षा हेतु जहाँ खड़े है वही स्थिर हो जाए। अच्छा, ताकि हम स्थिर हो जाए और तुम हमारा माखन चट कर जाओ। हाँ केचुआसुर, भला ऐसा भी कोई असुर होता है? मैया, मुझे मेरे लल्ला के पास जाना है। रुको यशोदा, मेरे लल्ला। यशोदा, नहीं। अब क्या करें कान्हा? एक उपाय है दाऊ। ये जगह कितनी डरावनी है। ये पाताल लोक है दाऊ। मैया, मैया, दाऊ, आप सबको मुक्त करके बाहर की तरफ प्रस्थान करें। मैं केचुआसुर को संभालता हूँ। आइए आइए, इस तरफ आइए। कायर केचुआ सुर, साहस है तो सामने आकर लड़ो। तुम्हारी ललकार का उत्तर तो मेरी पूंछ दे सकती है। यदि अपने प्राणों की रक्षा करना चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से। तुम ही हो वो बालक जिसने महाराज कंस की नींदें उड़ा रखी हैं। केचुआ सुर आज तुम्हें मिट्टी में मिला देगा। ऐसा क्या? केचुआ सुर, अच्छा, ध्वनि तुम्हारी शक्ति है और धातु की गर्जना तुम्हारी दुर्बलता। बंद करो ये धातुओं की गर्जना। मैं तत्काल सभी को सूचित करता हूँ कान्हा, तुम इसे नंदगांव के समीप ले आओ। ठीक है दाऊ। Oh!
तैयार? हाँ, हम तैयार हैं। बचाओ, बचाओ, और बल से बचाओ। बचाते रहो, और बल लगाओ। बंद करो धातु की गर्जना। मेरे लल्ला, अच्छा किया जो तुमने रस्सी खोल दी। नहीं मैया, देखो मैं तो अभी भी रस्सी से बंधा हुआ हूँ। लल्ला ने ना ही अपनी मैया को दिया वचन तोड़ा और ना रस्सी। हाय मेरा लल्ला।